विजय देव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको हम आगरा रघुनाथपुर लेके चल रहे हैं। चलिए मेरे साथ। वहाँ माँ काली के 108 प्रतिमा बैठी है मूर्ति। चलिए हम दर्शन करते हैं और आप सभी को दर्शन कराएंगे। आप मेरे साथ बने रहें। मैं अभी भागा स्टेशन से आगरा के लिए गाड़ी पकड़ा हूँ, जो कि ये 2:50 यहाँ से खुलती है, 4:05 या 10 में वहाँ पहुँची। वहाँ से फिर मैं टोटो पकड़ते रघुनाथ पूजा में वहाँ का मंदिर का दर्शन करें। मंदिर क्या है, वहाँ की मूर्ति उठाए हैं और चलिए मेरे साथ बने रहिए और माँ की प्रतिमा का दर्शन करें हम सब मिलके। ये शशान काली आपको लेके हम आए, इसके बाद आपको ले जाएंगे यहाँ पर 108 माँ काली का मूर्ति जो उठा है उसको दिखाने के लिए। आगरा शशान काली हुआ आपका और यहाँ पर लाश जलाने का ये है। देखिए और इसके हालत को यहाँ के जो देखभाल करने वाले शायद सही ढंग से नहीं देख रहे हैं, इसी वजह से आज मैंने इसका हालत ये हो गया है। नहीं तो ये बहुत सुंदर जगह। और ये रास्ता जो जयचंडी स्टेशन की तरफ, ये जो रास्ता है ये जयचंडी स्टेशन की तरफ चल जाएगी। ये जो रास्ता है ये आपका जयचंडी की तरफ चल जाएगी और ये जो इस साइड से देख रहे हैं ये आगरा रेलवे स्टेशन की तरफ और ये शशान काली लेकर का था। और अब आपको लेके चलते हैं जहाँ जो 108 मूर्ति उसको दिखाने के लिए। चलिए मेरे साथ। ये देखिए माँ की मूर्ति, हर एक रूप में माँ विराजमान है। 108 है उसको तो दिखाना। 108 माँ की 108 प्रतिमा। मैं धनबाद से आगरा आया हूँ इस मूर्ति को कवर करने के लिए। माँ के हर रूप यहाँ विराजमान है। यहाँ के जो बनाए हैं इस चीज़ को, मूर्ति को, उनको भी दाद देना पड़ेगा।
बहुत मांग के हरे मौजूद है यहाँ। ये माँ तारा है, ये शायद हमें तो लगता कि मैंने अपने लाइफ में पहला बार देखा हूँ इस तरह के प्रतिमा को। मैं आपको चारों तरफ घुमा दूं कि लगे, ये देखिए हर एक जगह मूर्ति माँ का मूर्ति विराजमान है। हर तरफ में ये जो मेला लगा वो मूर्ति का है, ऐसा पहला बार अपने लाइफ में देख रहे हैं। और आप थोड़ा सा बोलिए कि कब से ये ये मैंने 108 मूर्ति 108 3 साल हो गया। हाँ, लेकिन 2017 तो ये मूर्ति सब आप लोग यही बनवाते हैं कि फिर मंगवाते हैं? यहीं पर बनवाते हैं। हाँ जी जी के लिए आप अपना नाम बताओ। मंदिर का देखभाल आप कर रहे हैं और यहाँ ये जो स्टेज का जो काम भी होता होगा इसमें, और ये कितने दिन तक रहेंगे? ये 10 दिन। कितने? 30 अप्रैल से स्टार्ट किया। अच्छा, चलिए आपसे मिल बहुत हुआ कि डायरेक्ट आपसे हमसे मुलाकात हो गया। हम धनबाद से आए हैं, धनबाद से आए हैं तो हम बोले कि चले यहाँ देख ले, मालूम चला देखने के लिए आपको 108 जगह जाने पड़ेगा। काली घाट जाने पड़ेगा, इंडिया में सोच लिया है, इसके बाद बाहर में भी आपको जाना पड़ेगा जी। जैसे बांग्लादेश में भी 5-6 पीठ है, हाँ, पाकिस्तान में भी है, श्रीलंका में भी है, ऐसे करके आपको जाना पड़ेगा। नहीं, आप बहुत अच्छा काम किए, माँ का ही रूप एक ही जगह सब। हमारे चैनल से आप मैंने ये बोल दीजिए धन्यवाद दिया कि हर जगह कि यहाँ एक बार आए आके मेला है। 5 दिन अभी भी मेला है, आप देखिए क्या, अगर देखिए
ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे डायरेक्ट भेंट हुआ। अभी हमने जो यहाँ ये मूर्ति का ये इतने जो प्रोग्राम करा रहे हैं माँ के, उनसे डायरेक्ट बात करवाया और माँ की कृपा से डायरेक्ट वो हमको मिल गए। इसके लिए माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से कम ये तो जान जाएंगे जो बनाने वाले हैं। और ये सही बोल रहे हैं कि ये सब इतने माँ का रूप देखने के लिए हम लोग को शायद विदेश भी जाना पड़ता है, लेकिन हमारे देश में और विदेश में भी जाना पड़ेगा इतने रूप देखने के लिए। ये रूप माँ का तो हम आगरा में ही देख ले रहे हैं। तो ऐसा है कि आप लोग जो भी हैं ये चैनल को देख रहे हैं, एक बार आगरा आइए, आकर के यहाँ माँ का दर्शन कीजिए। माँ के हर रूप को आप यहाँ आके देख सकते हैं। माँ के ये एक अजीब टाइप, मैंने ये मैंने पहला बार ही मैंने माँ का दर्शन किया है इतना रूप में, शायद मेरा भी सौभाग्य है। और भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके द्वारा ही इतने माँ का रूप को हमने दर्शन किया। हम तो जानते भी नहीं थे कि माँ के इतने रूप हैं, लेकिन आज मुझे मालूम चला कि माँ के इतने रूप हैं। माँ के इतने रूप माँ विराजमान है, आज पहला बार हम लेकिन कुछ देखिए ये सब गंदगी जो भी फेंके हैं उनको ध्यान देना चाहिए। माँ के 108 मूर्ति मैंने अपने चैनल के माध्यम से दिखा दिया आप सबको। माँ के 108 मूर्ति देखिए, माँ का मूर्ति लगता है ये टूट गया है, बनाने में होगा या फिर पीछे से, या तूफान आंधी तूफान भी आ रहा है बहुत। ये सब हवा से पोड़े गए ना, हवा चल छे ना। और ये जो भैया जो मूर्ति उठाए थे, मूर्ति ये की है उन्हीं भैया का, ये होटल भी है। और ये जो हवलादा हैं उन्हीं का ये होटल भी है, वो जो इतने बड़े प्रोग्राम कराए हैं, अभी उनसे भेंट हुआ था वो। और ये आप लोग कभी आए आगरा तो कम से कम ये होटल में ज़रूर आए, देखिए सुंदरता इस होटल का। तो वो जो अभी आप थोड़ा देर पहले जो बात हुआ भैया से कि हवलादा हुए, उन्हीं का ये होटल भी है, बहुत ही सुंदर। इस होटल का आपको ये करने के लिए आने के लिए एक बार यहाँ पर आइए, इस होटल में भी आइए। बहुत ही सुंदर ये बना हुआ है, इसी जगह शाम को टेबल कुर्सी लगता है और सब आकर के यहाँ बैठते हैं। देखिए ये होटल का सुंदरता, वो जयचंडी पहाड़ जो नज़र आ रहा वो जयचंडी पहाड़ हो गया। वो जयचंडी पहाड़ जाने के लिए यही रास्ता से आप जयचंडी पहाड़ जा सकते हैं। और
ये होटल का नाम स्वर्ग द्वार पार्क हुआ ना, और यहाँ बोर्ड उड नहीं है, बोर्ड है अभी बंद। अभी होटल चल रहा है कि नहीं, रेस्टोरेंट चल रहा है ना? ठीक।